ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों के कमेंट्स आए थे कि हमें स्वपन सिद्धि बता दीजिए, हम स्वपन में दूसरे की समस्या 1 मिनट में जान लें। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, 101% संभव है। मैं अपना प्रैक्टिकल प्रयोग और अपनी एक निजी पर्सनल सिद्धि मैं आपको बता रहा हूं। मैंने काफी टाइम पहले इस सिद्धि को किया था, अब नहीं, काफी टाइम पहले किया था मैंने इस सिद्धि को, और कभी इस सिद्धि के द्वारा मैंने बहुत लाभ भी उठाया। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, इस सिद्धि के द्वारा मैंने सट्टे के नंबर भी निकाले हैं। सट्टे के नंबर भी इस सिद्धि के द्वारा आराम से मिल जाते थे। अन्य आप दूसरी समस्याओं के बारे में भी इससे पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, सट्टे का कार्य गलत होता है, सट्टे का कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई मजबूर है, ज्यादा ही परेशान है, ज्यादा ही दुखी है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि दूसरे का को सट्टे का नंबर देने का मतलब है कि आप अपने पुण्य गंवा रहे हो, आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। यदि कोई आदमी वास्तव में परेशान है, वास्तव में दुखी है, और वास्तव में एक या दो ही लगाना चाहता है, तो आप उसको बता सकते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि जिसको आप एक दो बताओगे ना, वो बार बार पूछेगा, फिर लत पड़ती है इन चीजों की, छूटती नहीं है। आप किसी को एक बता दो, अगर उसके 20,000 आएंगे, 1 लाख रुपए आ गए, उसकी लालसा होगी, 1 लाख आए, 10 लाख आ जाए, तब 10 होंगे तो फिर करोड़ों की उसकी लालसा होगी। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, तो इसलिए कोशिश रखें कि सट्टे का नंबर तो ना ही देखें। बाकी कोई समस्या देखनी है वो आप इससे देख सकते हैं, अपनी या अन्य किसी की भी समस्या 1 मिनट में आप पता कर सकते हैं। सफल प्रयोग है, मेरा खुद का प्रयोग है, मैं आप आपको बता दे रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप कर लो, सफलता मिलेगी आपको। लेकिन अगर यदि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी साधना में त्रुटि है, या आपका भाग्य उदय नहीं हो पाया। एक बात उन्हें बता दे रहा हूं पहले ही कि जब दौड़ लगाते हैं तो हजारों लड़के दौड़ते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही पास होते हैं। परीक्षा में सभी लड़के बैठते हैं, लेकिन पास कुछ ही होते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि सभी व्यक्ति बहुत शीघ्र देवता के अनुकंप हो जाए और वो सभी भगत बन जाए, और जिसका भाग्य उदय होता है तो वो शीघ्र बन भी जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि यदि आपके पास कच्ची भूमि है, घर में आपके कच्ची जगह है, फर्श नहीं है, जैसे यहाँ पर टैले लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, ऐसे ना है, कच्चा है तो अति उत्तम होता है, कच्चा नहीं है, पक्का है तो भी जो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ करना, तो देखो थोड़ा थोड़ा पड़ेगा आपको। कहीं से गाय का थोड़ा सा गोबर, चाहे इतना से ले आए, थोड़ा सा गोबर ले आए, और कच्ची है तो सारा ही लीप दें, फिर तो सारा ही आप गाय के गोबर से सारा कमरा ही लीप दें, फिर तो अच्छी बात है। और यदि नहीं है, पक्का है, तो चाहे थोड़ा सा ले आए उसको, चाहे इतना सा लीप दें, थोड़ा सा 4 बाई 4, 4 इंची का चकोर आप लीप दे, उसके ऊपर ये आसन आप ले लीजिए, आसन सुदासन, उसके ऊपर आप बिछा लीजिए। पूर्व या पश्चिम आपका मुख रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी, रुद्राक्ष की माला रहेगी, और आपने ये जो साधना है शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से, अमावस्या के बाद जो अगले दिन पड़ता है उससे पहले दिन से आपको ये साधना कर देनी है प्रारंभ। आप निश्चित संख्या में आपने संकल्प लेना है। आपको पूजा स्थान पर करना क्या है, गाय के शुद्ध देसी घी का आपको प्रयोग करना है, ज्यादा नहीं लगेगा, आधा किलो लगेगा बस, मुश्किल से। आपने एक दीपक आपने जलाना है, एक धूमबत्ती आपने जलानी है, स्वप्नेश्वरी के नाम से धूमबत्ती, बड़ी खुशबूदार धूमबत्ती, खुशबूदार, कोई भी सुगंधित पुष्प, 2, 4, 5, 10 जितने आपके पास पुष्प हैं, स्वप्नेश्वरी नाम के आपको चढ़ा देने हैं। कोई भी मिठाई सुगंधित अच्छी स्वादिष्ट मिठाई, आपने 2 पीस मिठाई के आपको वहीं पर चढ़ा देने हैं। चढ़ाकर आपने रुद्राक्षी माला से अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखते हुए साफ स्वस्थ वस्त्र पहनकर नहा धोकर फ्रेश होकर आप शाम के समय आपको बैठ जाते हैं। जब आपको आप लगे कि भाई अब मैं शांत हूं, अब मैं कुछ देर बैठ के साधना कर सकता हूं, मुझे कोई भाग दौड़ वाला काम नहीं है, शांतिपूर्वक इस साधना को किया जाता है। सर्वप्रथम आपने करना क्या है, जिस प्रकार कर रहा हूं बता रहा हूं उस प्रकार आप कर लेना। आप चाहोगे चाहे सट्टे का नंबर निकाल लेना, चाहे किसी की समस्या के बारे में बता देना, जो भी समस्या चाहोगे तत्काल होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, अपना पर्सनल प्रयोग बता रहा हूं। आपने थोड़े से चावल आपने उल्टे हाथ में ले लेना, थोड़े चावल, इसमें 2 बूंद पानी डाल देना है। इन चावलों को इस प्रकार 3 2 उंगलियों, बीच के दोनों उंगलियां और अंगूठे इस प्रकार उठाना, दोनों उंगलियां आपको छोड़ देनी है, करामिका और अनामिका, कना ये तर्जनी और कनिष्ठिका, ये आपको दोनों उंगली छोड़ देनी है। बीच में से ऐसे चावलों को उठाना है और आपको बोलना है, अपना नाम बोलना है कि मैं, अपना नाम बोलना है, पिता का नाम बोलना, अपना मनोत बोलना कि मैं आपकी सिद्धि करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे सफलता प्रदान करें, और मैं 1 लाख मंत्र जपने का संकल्प लेता हूं। 1 लाख मंत्र जपने है इसमें, 1 लाख मंत्र जपने, 1 लाख मंत्र जपने, ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरा विधान बताऊंगा, समझोगे तो पूरा विधान आप समझ जाओगे। 1 लाख मंत्र जपने में टाइम नहीं लगेगा, किस प्रकार जपा जाएगा मैं बताऊंगा आपको, बहुत बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बहुत आसानी से।
और यह बोलकर आपने चावल और वह जो जल भीगे चावल हैं आपको वहीं पर दीपक के पास छोड़ देने, एक प्लेट आप रख लीजिए, उस प्लेट में आप दीपक जी आपने जला रखा है। आपने ये पहले ही ध्यान कर लेना है कि मैं कितने दिन में साधना को करूंगा, 11 दिन में, 21 दिन में या 41 दिन में। आप उतने मंत्रों को उतने दिन में डिवाइड कर दीजिए। एक माला के सिर्फ 100 मंत्र आप जोड़ेंगे, 108 नहीं जोड़ेंगे, ये आप समझ लीजिए। माला में 108 मन के होते हैं, एक सुमेरु पर्वत होता है, इसको छोड़कर आप 108 मन के होते हैं, 108 मंत्र नहीं जोड़ेंगे, 100 मंत्र जोड़ेंगे, क्योंकि 8 मंत्र एक्स्ट्रा होते हैं, कोई टूट फूट जाता है, कोई मंत्र गलत पढ़ा जाता है, तो इस तरीके से 108 नहीं, 100 मंत्रों का आप जोड़कर, चाहे तो आप प्रतिदिन 10,000 यानी 100 माला आप जाप कर लें, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। 11 दिन में उसको डिवाइड कर लीजिए, 21 दिन में कर लीजिए, 41 दिन में, जितने दिन आप कर सकते हैं। पहले आप मंत्र सुनिए, फिर मैं आपको विधान बताता हूँ, फिर तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। मंत्र है, ओम नमो स्वपन चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमान कथ्य कथ्य स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से, ओम नमो स्वपन चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमान कथ्य कथ्य स्वाहा। इस मंत्र का वीडियो को स्लो करके आप इस मंत्र को लिख कर रख लीजिए। मंत्र ये मंत्र आपको बोलना है, इस मंत्र को आप, मेरा खुद का प्रयोग है, आप इस प्रयोग को, इस मंत्र को आप जाप कर सिद्ध कर ले। इसको सिद्ध करने के बाद में यह मंत्र आपका कंप्लीट हो गया। जो भोग आपने लगाया है, मिठाई का भोग आपने लगाया, वह सुबह उठकर कुमारी कन्याओं को बांट दे। शादी शुदा को नहीं, कन्याओं को बांटना, पुरुषों को लड़कों को नहीं बांटना, कन्याओं को बांटना है, कन्याओं को बांट दे। उसके बाद में आपने जब कभी भी आपको लगे कि मुझे आज किसी की समस्या के बारे में पूछना है, ये सट्टे का नंबर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सट्टे का नंबर पूछें, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर आपके मन में ऐसा पूछा है तो अपने लिए लगाओगे तो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद में फिर कटेगा, फिर आपको स्वपन से संबंधित कोई वीडियो दिखाई, स्वपन दिखाई देगा, फिर जोड़ना आपको अपना पड़ेगा, एक दो बार सही दिखाई देगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि शक्तियाँ हैं, योग माया की शक्ति है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। योग माया किसको कहते हैं ये भी आप समझ, आप जान लीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बच्चा जब पैदा होता है, आपने देखा होगा बच्चा कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी खुद ही अपना आप हंसने लग जाता है, कभी खेल रहा है, उसको योग माया बोलते हैं, उसको योग माया खिलाती है, उसी योग माया की ये साधना है। वो योग माया ही सब कुछ दिखाती है, स्वपन में सब कुछ, ब्रह्मांड की हर चीज आपको दिखा देती है, हर चीज आपको दिखा देती है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है बेटे, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है, लेकिन श्रद्धा भाव के साथ करने पर सब काम सिद्ध होते हैं। अगर आप छल कपट व्याभिचारी व्यक्ति हैं तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब भी आपको प्रयोग करना है, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, साफ स्वच्छ आपका बिस्तर होना चाहिए, वैसे नहीं कि गंदा बिस्तर हो, साफ स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए। बिस्तर पर आपको बैठकर आपको इसी साधना को, जिस तरह बताया, इस प्रकार एक माला जाप करनी है, सिर्फ एक माला जाप करनी है। और जो भी आपका आपका समस्या है, ये जो भी आपकी बात आप पूछना चाहते हैं, उसको एक कागज पर लिखें और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। रात्रि में आपको उससे संबंधित सारी घटनाएं आपको दिख जाएगी, लेकिन उस दिन दारू मांस मदिरा प्याज लहसुन बिल्कुल वर्जित रहेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन रखेंगे। जितने दिन साधना चलेगी उतने दिन में ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा, और जब आपकी ये जिस दिन सवाल करना है उस दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। बस ये करें आप प्रयोग, तत्काल जो भी चाहोगे वो चीज आप पूछ सकते हो, जिसके बारे में पूछना चाहते हो वही बता सकते हो। आज मैंने आपको अपनी पर्सनल साधना बता दी है, करना आपके ऊपर डिपेंड है, पूरा विधान मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करनी है, किस तरीके से करनी है, किस समय करनी है। आप वीडियो को बार बार देखकर आप देख लेना, अब आप बार बार कमेंट्स करोगे कभी ये कभी जी ये कैसा था वह कैसा था। देखो सभी चीज़ों का सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसके लिए मैं समझ आता हूँ, तरीका मैंने आपको बता दिया, करना आपके ऊपर डिपेंड है। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।